गाड़ी नंबर रहने वाली गाइस 14854। तो मेन हाईवे में अभी अपन चढ़ गए, यहाँ पे हो रही है गाड़ी पार्किंग। और उधर एक्सप्रेस जो कि यहाँ से चलेगी गाइस कानपुर से लेके, आने वाले 2-3 सालों में मेट्रो का हो जाएगा भाई, अंडरग्राउंड मेट्रो यहाँ पे बन रही है। लो जी गाइस 9 नंबर में अभी पहुंच चुके हैं, ये रहा 8 नंबर, सबसे आखिरी प्लेटफॉर्म में खड़े करने वाली गाड़ी। यहाँ पे भाई पूरा देखो, एक कुत्ता तक नहीं है सामने, पूरा रेलवे स्टेशन यहाँ पे खाली है। दिख गया दिख गया, ये सामने चेक करो, ये कुत्ता रहा है भाई। ये अच्छी सीट है भाई साहब, साइड लोअर और साइड अपर। यहाँ पे टाइम देख लो, 11:58 हो रहे हैं। यहाँ से कानपुर से डिपार्चर हो रही है गाड़ी, प्लेटफॉर्म में चेक कर लो, काफी स्पीड रफ्तार पकड़ ली गाड़ी। फिलहाल पहुंच गए नजर बाग गुरुद्वारा। तो भाई अभी तो अपन पैदल पैदल चले जा रहे हैं, ज्यादा भीड़ हो रखी है भाई लिटरली। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो बहुत बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, रात की शुरुआत आपके साथ। तो अभी टाइम आपको बता देते हैं, अभी हो रहे हैं 10:30, और फिलहाल अभी अपन कहाँ से नहीं निकल रहे, रास्ते में चल के आपको बताते हैं। बैग अपना रेडी है भाई साहब, मम्मी करते मामी को करते हैं बाय बाय। बाय बाय मम्मी, बाय बाय मामी, बाय आयु, बाय बाय। फिलहाल ना दोस्तों अभी अपन निकल गए स्टेशन के लिए, कहाँ जा रहे हो स्टेशन चल के आपको बताते हैं। कोका कोला वाली रोड है और सन्नाटा देख लो भाई, रात का समय है, एकदम रोड में सन्नाटा हो रखा है, मेरा भी हो गया। तो मेन हाईवे में अभी अपन चढ़ गए, और यहाँ पे देखो नो एंट्री खुल चुकी है, और बड़ी बड़ी ट्रकें यहाँ पे चल रही है भाई, लाइन से ट्रकें चेक करो भाई, बड़ी बड़ी ट्रकें हैं यहाँ पे। तो जी भाई यहाँ से अभी अपन मीटिंग, टाइम टू रिफ्यूल, पेट्रोल पंप पहुँच गया, पेट्रोल रिफिल करवाते गाड़ी को अपन पार्क कर देंगे स्टेशन पे, ये बढ़िया हो जाएगा ना भाई साहब की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, रोला पाया हुआ है। और ना फिलहाल चेक कर लो, पहुंचने वाले हैं रेलवे स्टेशन, टाइम आपको अभी तो बता दूं तो 11 बज रहे हैं। फिलहाल गाड़ी लेट चल रही है, कितना दूर है यहाँ से स्टेशन, और 100 मीटर यहाँ से स्टेशन रह गया। अभी हम लोग गेड़ी मार रहे हैं भाई, रात का सीन यहाँ पे चेक कर लो, काफ़ी मस्त स्टेशन रोड है ये, काफ़ी मस्त यहाँ पे सीन है। होटल होटल यहाँ पे लाइन से होटल, बहुत सारे होटल है भाई साहब, ये देख लो अलग अलग प्रकार के होटल भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। चलो जी यहाँ पे हो रही है गाड़ी पार्किंग, और यहाँ स्टेशन फिलहाल अभी अपन पहुँच गए, सामने में चेक कर लो स्टेशन रहा है, और ये देखो मेट्रो काम यहाँ पे चल रहा है, वाले 2-3 सालों में मेट्रो का हो जाएगा भाई, अंडरग्राउंड मेट्रो यहाँ पे बन रही है, काफ़ी सही हो जाएगा ये। तो देखो भाई बहुत बड़ा लिटरली स्टेशन हुआ करता था यहाँ पे, फ्रंट में आपको दिखा नहीं पा रहा ना, मेट्रो का पूरा यहाँ पे काम चल रहा है, पूरा गंद मैम मचा हुआ है भाई। वेटिंग हॉल है और अंदर सहयोग का भी पूरा बना हुआ है, ये देखो पास से आपको चेक करवाते हो, मेट्रो काम हो रहा है यहाँ पे, ओहो काफ़ी बड़ा गड्ढा यहाँ पे कर रहे, पूरा ओपन है। रात का टाइम 11 बजे, देखो अभी भी काम चल रहा है, सारी रात काम हो रहा है, और काफ़ी फास्ट यहाँ पे आने वाले समय में 1.5 साल में रेडी कर देंगे भाई, ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से काम हो रहा है ना रात में भी। रहने वाली गाइस 14854 मरुधर एक्सप्रेस जो कि यहाँ से चलेगी गाइस कानपुर से लेके, गाड़ी तो पीछे से आती गाइस, लेकिन अपन जाने वाले अपना रूट रहने वाले कानपुर से अयोध्या तक का। चलो भाई अभी 12:15 बजे आने का समय है। तो मेरे पिछले ब्लॉग्स में कमेंट आ रहे थे भाई, कहाँ जा रहे हो वो बताते नहीं भाई, हर बार अचानक से निकल जाते हो। लो जी एक्सेलेरेटर ही खाली पड़ा हुआ है। लो जी गाइस 9 नंबर में अभी पहुंच चुके हैं, ये रहा 8 नंबर, सबसे आखिरी प्लेटफॉर्म में खड़े करने वाली गाड़ी। यहाँ पे भाई पूरा देखो, एक कुत्ता तक नहीं है सामने, पूरा रेलवे स्टेशन यहाँ पे खाली है, दिख गया दिख गया, ये सामने चेक करो, ये कुत्ता रहा है भाई। तो अपनी तो गाइस 3rd AC की टिकट है, यहाँ से सफर रहने वाला गाइस 4 से 4.5 घंटा, अभी अपन बैठेंगे 12:15 बजे, अभी तो गाड़ी 1 घंटा लेट है, इतने रास्ते में कवर कर ले वो बात अलग है भाई, 4:30 बजे एग्जैक्ट का टाइम है अयोध्या पहुंचने का, अपन पहुंच जाएंगे 5:30 तक अयोध्या पहुंच जाएंगे। यहाँ पे चल रही है अनाउंसमेंट, काफी ज्यादा अनाउंसमेंट चल रही है, वो देखो भाई सब मस्त मॉल लेके आ रहे, बैठ गए तो जा रहे है अपन थोड़े समय के लिए, इतना भारी बैग तैयार हो गया, पूरा फुल हो रखा है भाई, बैठने की कहीं जगह नहीं दिख रही अपने को, बैठने की जगह देख रहे हैं कहीं पे बैठने की जगह नहीं है, देखो लाइन से पूरा सब लोग बैठे हुए आराम कर रहे हैं भाई। अभी सामने प्लेटफॉर्म में गाड़ी आई है, और ये दोनों प्लेटफॉर्म पूरे खाली हो रखे हैं, कोई गाड़ी नहीं है यहाँ पे ना, पंखे ऊपर चेक कर लो कहीं पे, वो देखो कोंटे पे पंखे लगे, नीचे भैया बैठे। तो गाड़ी की बात की, सामने से गाड़ी आ रही है, देखते कौन सी गाड़ी भाई। भाई 10 मिनट हो गए, आपको दिखाया था 11:25 हो रहे वहाँ से अभी तक यहाँ पे आई, इतना धीरे चला रहे हैं भाई, इतनी मुश्किल से मालगाड़ी को खींच के इधर चला रहे हैं भाई। गाड़ी चेक कर लो, मात्र 4 मिनट लेट, 6 मिनट लेट है भाई साहब, गाड़ी आ चुकी है मरुधर एक्सप्रेस, काफ़ी सुपर फास्ट गाड़ी भाई, 1 घंटा भी लेट बता रहा था ये, चलती गाई जोधपुर से वाराणसी। यहाँ पे अभी अपन बैठे थे, और सामने V4 अपना AC कोच है, कोई दिक्कत तो है नहीं, रात का सफ़र है, सोते हुए आराम से जाएंगे भाई। हाल देख लो, यहाँ से चालू होता है AC 2 टायर, अपना AC 3 टायर है,
यहाँ पे ना गाड़ी फिलहाल यहाँ पे स्टॉप होगी, 5 मिनट का स्टॉपेज है अंदर। तो भाई अपनी जर्नी हो गई स्टार्ट, काफी नेक्स्ट लेवल फीलिंग आ रही है भाई साहब राम जी के दर्शन करने के लिए। अभी अपन फिलहाल निकल गए है, इससे लग्जरी सीट है अपनी, तो साइड लोअर साइड अपर, अच्छी सीट है भाई साहब, साइड लोअर और साइड अपर, क्योंकि अपने को सीट यही मिली है। हाँ ये ऊपर है ना मेरी। तो वीर जी गए, पानी बोतल आधी हो गई अपने बैठे बैठे, पानी खत्म कर दिया भाई साहब, आधी बोतल ही खत्म कर दी अभी पानी। वीर जी यहाँ से भर ले, काफी चिल्ड हो रहा है ना, मिक्स हो जाएगा तो ये सही रहेगा। वीर जी काफी आगे जा रहे, गाड़ी चढ़ जाएगी ना तो वहीं से आगे बैठ जाएंगे तो ये सही रहेगा। काफी लंबी गाड़ी भाई साहब, देखो राउंड होके गाड़ी खड़ी है, गाड़ी का हॉर्न वॉर्न कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो भाई साहब यहाँ से गाड़ी का डिपार्चर होने का, काफी चिल्ड अंदर हो रहे ना, इसी हमने ओस जम गई है भाई साहब। तो गाड़ी का डिपार्चर होने का टाइम नहीं, 10 मिनट से ज्यादा ही हो गए भाई, चेक कर लो नेट 10 मिनट ही हो गए। लो जी गाइस यहाँ पे टाइम देख लो, 11:58 हो रहे हैं, 12 मिनट की स्टॉपेज, 10 मिनट की स्टॉपेज है, फिर फाइनली यहाँ से कानपुर से डिपार्चर हो रही है गाड़ी। तो मम्मी चेक कर लो, काफ़ी स्पीड रफ्तार पकड़ ली गाड़ी, काफ़ी तेज रफ्तार हो गई गाड़ी। तो सामने कोई ओवरटेक कर रही है गाड़ी, तो हे वी आर इन सोलारपुर। तो गाड़ी यहाँ से अभी आधा घंटा लेट चल रही है और सुबह का टाइम हो गया है 4:30। रात को थकान इतनी अल्टीमेट हो गई थी ना भाई, अपन सो गए थे सीधा एसी बोगी थी, और चलते फिलहाल अंदर, यहाँ का सीन चेक कर लो भाई। अभी ना गाइस अपनी गाड़ी पहुंच चुकी है अयोध्या कैंट, तो अपने को अभी उतरना है अयोध्या धाम। जो अयोध्या मंदिर है ना गाइस राम जी का, वो यहाँ से दूर पड़ता है, तो अयोध्या धाम से नज़दीक पड़ेगा अपने को। फिलहाल गाड़ी पहले प्लेटफॉर्म में आई है, यहाँ पे चल रही है बारिश, ऊपर मस्त बारिश हो रही है ना। यहाँ पे ना गाइस गाड़ी का 5 मिनट का हॉल्ट है, अपने समय से आधे घंटा लेट चल रही है भाई सब गाड़ी अभी। तो भाई इसके बाद आने वाला अयोध्या धाम, धाम स्टॉप है गाड़ी का, 2 मिनट का हॉल्ट है वहाँ पे, तो अपन ना वहीं पे उतरने वाले हैं। तो फाइनली गाइस अभी अयोध्या धाम अभी अपन पहुंच चुके हैं, ट्रैफिक चेक कर लो भाई साहब, यहाँ पे गाड़ी पूरी यहीं पे खाली हो रही है। हे वी आर इन, फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए अयोध्या धाम, कितना मस्त बना दिया भाई स्टेशन। 40 मिनट लेट पहुंची, अभी आपको टाइम बता दूं 5:27 हो रहे, मतलब लगभग 5:30 हो गए। लो जी भाई यहां से शॉर्टकट लेते हुए सीधा अपन, ये सामने रेलवे स्टेशन है और यहीं से अपन शॉर्टकट ले रहे हैं, ये रिक्शा वगैरह अपने को मिल जाएगी ना। फिलहाल पहुंच गए नजर बाग गुरुद्वारा, अयोध्या का फेमस गुरुद्वारा साहब है। टाइम आपको बता दे तो अभी टाइम हो रहे हैं, वॉच ही बंद हो गई भाई, 6:45 हो गए हैं। फिलहाल गुरुद्वारा साहब अभी अपन पहुंच गए। चलो तो अयोध्या का नाम पहले अयोध्या नहीं फैजाबाद करके था, तो अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या नाम रखा गया। फिलहाल यहाँ गुरुद्वारा साहब का इतिहास चेक कर लो यहाँ पे। फिलहाल गुरुद्वारा साहब से बाहर आ गए, सामने गुरुद्वारा साहब रहा है, कितनी संगत आ रही भाई, अपने खड़े खड़े कम से कम 5-6 हज़ार लोग आ गए हैं। और ये देखो डेंटल क्लिनिक भी है अयोध्या का सामने ही, और ये मंदिर जाने का रास्ता है सामने। फिलहाल यहाँ पे वेटिंग हो रही है, रूम का कोई जुगाड़ मिल जाए ना भाई, जहाँ पे अपन रेडी शेडी हो जाए, थोड़ी देर रुक भी लेंगे, आराम भी कर लेंगे। मैं आपको बता दे तो अभी 7 बजने वाले हैं, नहीं भाई 6:15 हो रहे हैं अभी। पुलिस की फुल सिक्योरिटी हो रखी, हर चौराहे पे सिक्योरिटी भाई साहब, बैठे हुए बैरिकेड लगे हुए भाई, रास्ता ब्लॉक किया हुआ है उन्होंने। तो भाई अभी तो अपन पैदल पैदल चले जा रहे हैं, राम मंदिर जाने का रास्ता कितना ज्यादा भीड़ हो रखी है भाई, लिटरली नेक्स्ट ही लेवल। सुबह सुबह का माहौल चेक कर लो यहाँ पे, अयोध्या में चाय कॉफी के लिए ढूंढ रहे भाई साहब, ना धन की चाय मिल रही है ना ही कॉफी मिल रही है। हाँ दर्शन करो फटाफट, नहीं तो बैठे रह जाओ। तो अभी अपन भूल गए थे ब्रश, तो यहाँ से फिलहाल ब्रश भी ले लिया, और सामने गुरुद्वारा साहब है वहाँ पे। वीर जी अभी नाना दोनों अगर रेडी वेडी हो रहे हैं, मुम की काफी बसर चल रही है, काफी देर अपन ने बर्बाद कर ली, और सुबह भी पड़ चुकी है, रोशनी हो गई, सुबह पड़ चुकी है, रूम अपने को मिला नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पे बाहर गुरुद्वारा साहब है, वहीं पे रेडी वेडी होके आपको मिलते हैं इस वीडियो। फिलहाल यहाँ तक रखते, छोटी वीडियो रहने वाली है, ऊपर आपको पसंद आई होगी। अभी अपन चलने वाले राम जी के दर्शन करने के लिए, नेक्स्ट व्लॉग में देखना, काफी इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। सुकून मिल रहा है भाई, ओल्ड वाइब्स आ रही है यहाँ पे बैठ के, गुरुद्वारे मस्त कीर्तन का साउंड आ रहा है ना, बस अपन रेडी शेडी हो जाए ना, उसके बाद बस गाइस यहाँ पे नाना धोना तो यहाँ सामने में हो जाएगा, लेकिन
दिक्कत ये हो रही है कि अपन रेडी कैसे होंगे, मेरे को बियर्ड सेट करनी है। कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे भाई, आज की दिन की बात है, हमको तो अभी अपन वापसी कर लेंगे। इस वीडियो को फिलहाल यहाँ तक रोक कर, बहुत पसंद आई होगी आपको वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में देखना, राम जी के दर्शन करने जाएंगे, उसके पहले गुरुद्वारे दर्शन करेंगे। और फिलहाल यहाँ पे हो रही है बरसात, ये दिक्कत हो रही है भाई, अभी बारिश चालू हो रही है, बूंदा बांदी यहाँ पे जमीन पे देख सकते हो भाई। वीडियो छोटी सी रहने वाली, तो अपन कानपुर से अयोध्या तक आए हैं। अयोध्या में ना गाइस दो है, एक अयोध्या कैंट रुकती है, एक अयोध्या धाम। तो अपन उतरे थे अयोध्या धाम, वहाँ रौनक मेला देखी, काफी मस्त लगा है। तो अभी मार्केट अगर भी जाएंगे, वो सब भी आपको एक्सप्लोर करूंगा जितने तो शाम तक अभी अपन है। अभी तो टाइम आप चेक कर लो भाई साहब, टाइम हो रहा है, तो अभी आप टाइम देख लो। चैनल सब्सक्राइब नहीं पड़ता, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक एंड वीडियो को शेयर भी करके आओ। मिलते हैं ऐसी बड़ी वीडियो के साथ, टिल देन बाय, टेक हैव अ नाइस डे एंड ड्रॉप रखा, बाय बाय। तो यहाँ पे चल रही है इस कावड़ यात्रा, वो देखो कावड़ यात्रा भी चल रही है, बहुत ज्यादा रश हो रखा है। और आज स्पेशल भाई योगी जी आ रहे हैं यहाँ पे, तो काफी ज्यादा भीड़ रहने वाली है। यहाँ पे चेक कर लो, लाइन से दुकानें लगी हुई है, स्टॉल लगे हैं ना, चॉपी चाय वाय बन रही है, समोसे वगैरह। भाई सुबह सुबह का नाश्ता आ गया है फाइनली, छोले भटूरे साथ में है, अच्छा मिर्ची भी दे दी है भाई, ये तो सही हो गया है।